5 करोड़ के लूट मामले में पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लूट के 3,24,15,000 रुपए बरामद। बीते दिन 21 जून की रात्रि करीब 1 बजे के आसपास जमुआ थाना क्षेत्र के बाती मोड़ के पास से क्रेटा कार को रोककर 5 करोड़ के लूट मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 3,24,15,000 रुपए की बरामदगी हो गई है। बता दें कि लूटकांड के खुलासे को लेकर एसपी अमित रेणु ने 36 पदाधिकारियों, पुलिस जवानों और टैक्टिकल सेल की टीम बनाई थी। एसआईटी ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर गिरफ्तार 6 अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 1 क्रेटा कार और 1 एसयूवी वाहन बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के विलेज रोड निवासी राजेश सिंह, अबनाटांड निवासी करीम अंसारी, अमरपुर अपर बाजार निवासी विनोद विश्वकर्मा, फकीर डी निवासी सहजाद आलम, हजारीबाग के बरही निवासी रंजीत कुमार और चतरा के ईटखोरी निवासी अजीत सिंह शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसपी रेणु जानकारी दी कि सर्वप्रथम रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1,14,00,000 रुपए बरामद किया गया, जिसके बाद बाकी अपराधियों के पास से 3,24,15,000 रुपए बरामद किए गए। वहीं लूटकांड का मास्टरमाइंड 7वें अपराधी के रूप में गुलाब सिंह अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। 2023 को रात्रि करीबन 1:30 बजे के आसपास जमुआ थाना अंतर्गत बाटी मोड़ के पास एक क्रेटा वाहन से कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा, जो अज्ञात अपराध कर्मी हैं, उनके द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में क्रेटा वाहन चालक, जिसमें जिनके साथ लूट की घटना हुई थी, उनका नाम मयूर सिंह जडेजा है, उनके द्वारा लिखित सूचना जमुआ थाना में दिया गया और इस संदर्भ में 256/23 जमुआ थाना केस दर्ज किया गया धारा 395 के अंतर्गत। इस संदर्भ में चूँकि घटना बड़ी थी, करीबन 5 करोड़ की बात कही जा रही थी, जिसमें जो लूट में जो राशि लूटी गई थी, इसको गहराई से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व उस क्षेत्र के SDPO मुकेश महतो एवं आसपास के जो अनुमंडल हैं उनके SDPO के नेतृत्व में टीम की गठन की गई थी। इसमें विभिन्न टीम्स का गठन किया गया, जिनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्य के आधार पर कई जगहों पर छापामारी की गई। इस संदर्भ में कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कुछ धनबाद जिला से अरेस्टिंग है, हजारीबाग जिला से अरेस्टिंग है और चतरा जिला से एक व्यक्ति की अरेस्टिंग की गई है। इनके पास से विभिन्न स्थानों से जो लूटी गई राशि है उसका एक अंश बरामद किया गया है, जो करीबन 3,24,15,000 रुपए की बरामदगी की गई है और इस संदर्भ में आगे का अनुसंधान अभी जारी है। जो अपराधकर्मी हैं उनको विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जब्ती जो इनके पास से की गई है, घटना में कारित करने वाले जो प्रयुक्त SUV वाहन है उसकी बरामदगी विधिवत की गई है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन्स, जिससे अपराधकर्मी एक दूसरे से संपर्क में रहे हैं, उनकी बरामदगी की गई है। 8 मोबाइल फोन्स की बरामदगी है। इन अपराधकर्मियों के द्वारा एक विशेष माध्यम जो GPS डिवाइस है उस वाहन में लगाया गया था, जिसकी बरामदगी की गई है। लूट की राशि 3,24,15,000 रुपये की बरामदगी की गई है। इस संदर्भ में विभिन्न एजेंसियों को भी सूचित किया गया है, जो सहायक एजेंसियाँ हैं हमारे विभाग के साथ साथ वो भी काम कर रही हैं, जो आयकर विभाग है उनको भी सूचित किया गया है और उनके द्वारा भी इस केस में अनुसंधान अलग से किया जा रहा है। इस टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को और अपने SDPO को मैं बधाई देता हूँ कि कम समय में आपने अच्छा काम किया है और जो लूट की राशि है उसको बरामद किया गया है, एक बड़ा अंश बरामद हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो इसमें अपराधकर्मी अन्य जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी होगी और टीम के द्वारा उसके पास से भी जो लूटी गई राशि है जिसका बरामदगी अब तक नहीं हो पाया है उसकी भी बरामदगी जल्द की जाए। गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है सर, पता चला? देखिए, ये एक गिरोह करीबन 6-7 व्यक्तियों का है, जो कि
कई दिनों से काम कर रहा है इस क्षेत्र में, जिसके बारे में सूचना हम लोगों को इस कांड के अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हुआ, और इसमें से 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। एक व्यक्ति अभी भी बाकी है अरेस्टिंग करने के लिए। इस गिरोह का ऐसा कोई पर्टिकुलर मास्टरमाइंड नहीं है, ये आपस में ही मिलजुल के काम। तार इन लोगों का कहाँ कहाँ से जुड़ा हुआ है सर? इस घटना के तार 2-3 जिले से जुड़े हुए हैं। गिरिडीह थाना क्षेत्र में, गिरिडीह जिला में घटना हुई है जमुआ थाना क्षेत्र में, लेकिन इसके तार आसपास के जिले जैसे कि हजारीबाग या चतरा या धनबाद, इन सब जिलों से भी जुड़े हुए हैं जहां से इन व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है, और जो बरामद की गई राशि है ये भी विभिन्न जगहों से बरामद हुई है। इसमें से कुछ ऐसे भी अपराधी हैं क्या जो पहले भी घटना को अंजाम दे चुके हैं इस तरह से? इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। जैसा अब तक हम लोगों के पास सूचना प्राप्त है, इनमें से 2 से 3 अपराध कर्मियों के बारे में हम लोगों को पता है, जिसके ऊपर पूर्व में भी केसेस दर्ज हैं विभिन्न थाना अंतर्गत, और बाकियों के ऊपर अभी छानबीन जारी है।